अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां नकली एशियन पेंट बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ाई है। यह कार्यवाही एशियन पेंट कंपनी के इन्वेस्टिगेटर अधिकारी की सूचना पर की गई है। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर स्थित ताल के पास की है। पुलिस ने फैक्ट्री से नकली पेंट बनाने की मशीन और बना हुआ पेंट जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना प्रभारी डॉक्टर संतोष यादव ने बताया कि दिल्ली स्थित मयूर विहार फेज निवासी मनोज पुत्र लाल बहादुर राजपूत ने फोन के माध्यम से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि वे एसजीएस आईपीआर कंसल्टेंसी एलएलपी कंपनी में इन्वेस्टिगेटर अधिकारी हैं। बहोड़ापुर इलाके में नकली एशियन पेंट्स बनाकर सप्लाई की जा रही है। सूचना पर एसआई पप्पू यादव, धर्मेंद्र सिंह तोमर व अन्य पुलिसकर्मियों को जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया तो पता चला कि टीपी नगर स्थित शंकरपुर में नकली एशियन पेंट्स बनाया जा रहा है। इसका पता चलते ही पुलिस ने दबिश दी और मौके से नकली पेंट्स बनाने की मशीन सहित नकली पेंट्स भी बरामद किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक संदीप जैन पुत्र बालचंद्र जैन निवासी गेंडे वाली सड़क के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिलावटी सामान के लिए ग्वालियर अब गढ़बनता जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री व उससे पहले अन्य कई नकली सामान बनाने वालों को पकड़ा है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।